अगर आप क्रिकेट की सारी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो बस सब्सक्राइब करें क्रिकेट ट्रू फैंस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आइकॉन को लेटेस्ट अपडेट पाए सबसे पहले। वेल स्वागत है दोस्तों क्रिकेट ट्रू फैंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2018 के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है इंडिया की टीम नवंबर 2018 में। आज हम उसके पूरे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे कि कितने वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेला जाएगा, कितने T20 इंटरनेशनल मैचेस खेला जाएगा और कितने टेस्ट मैचेस खेला जाएगा और सारे के सारे मैचेस कब और कहाँ और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। दोस्तों अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2018 नवंबर में खेली जाएगी ये सीरीज, और ये सीरीज बहुत ही बड़ी है। अगर हम बात करें तो 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेला जाएगा पहले, और उसके बाद 4 टेस्ट मैचेस खेला जाएगा, उसके बाद आखिरी में 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेला जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोनों टीम्स के लिए और बहुत ही बड़ी सीरीज है, जो कि 21 नवंबर 2018 को पहला मैच खेला जाएगा और आखिरी मैच 18 जनवरी 2019 को खेला जाएगा, जो कि लगभग 2 महीने की है सीरीज। दोस्तों अगर हम बात करें इसके पूरे शेड्यूल की तो दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2018 का सबसे पहले 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेला जाएगा, जो कि फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच 20 नवंबर 2018 से लेकर आखिरी T20 मैच 25 नवंबर 2018 तक खेला जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 मैच 21 नवंबर 2018 वेनसडे के दिन खेला जाएगा, जो कि मैच ब्रिस्बेन के द कब्बा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो सेकेंड T20 इंटरनेशनल मैच की तो दोस्तों 23 नवंबर 2018 फ्राइडे के दिन खेला जाएगा, जो कि मैच मेलबर्न के द MCG क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो थर्ड और फाइनल T20 मैच की तो 25 नवंबर 2018 संडे के दिन खेला जाएगा, जो कि मैच सिडनी के SCG क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों ये तो रहा T20 मैचेस का शेड्यूल, जो कि 3 T20 मैचेस खेला जाएगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, और उसका 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, जो कि 6 दिसंबर 2018 से लेकर 3 जनवरी 2019 तक। दोस्तों अगर हम बात करें पहले टेस्ट मैच की तो दोस्तों 6 दिसंबर 2018 थर्सडे के दिन खेला जाएगा, जो कि मैच एडिलेड के स्टेडियम में खेला जाएगा, और उसके बाद बात करें दूसरे टेस्ट मैच की तो दोस्तों 14 दिसंबर 2018 फ्राइडे के दिन खेला जाएगा, जो कि मैच पर्थ के द पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा, और उसके बाद बात करें तीसरे टेस्ट मैच की तो दोस्तों 26 दिसंबर 2018 वेनसडे के दिन खेला जाएगा, जो कि मैच मेलबर्न के MCG क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें फोर्थ टेस्ट मैच की तो दोस्तों 3 जनवरी 2018 थर्सडे के दिन खेला जाएगा, जो कि मैच सिडनी के SCG क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों ये तो रहा टेस्ट मैचेस का शेड्यूल, जो कि 4 टेस्ट मैचेस खेला जाएगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के बारे में, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, जो कि पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 12 जनवरी 2019 सैटरडे के दिन खेला जाएगा, जो कि मैच सिडनी के SCG क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, और उसके बाद बात करें दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच की तो दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकेंड वनडे इंटरनेशनल मैच 15 जनवरी 2019 ट्यूसडे के दिन खेला जाएगा, जो कि मैच एडिलेड के स्टेडियम में खेला जाएगा, और उसके बाद बात करें आखिरी और फाइनल वनडे इंटरनेशनल मैच की तो दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड और फाइनल वनडे इंटरनेशनल मैच 18 जनवरी 2019 फ्राइडे के दिन खेला जाएगा, जो कि मैच मेलबर्न के MCG क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों ये तो रहा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2018 का टेस्ट मैचेस, वनडे इंटरनेशनल मैचेस और T20 इंटरनेशनल मैचेस का पूरा शेड्यूल। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके अपनी राय विचार देना ना भूले, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट ट्रू फैंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए।